विच आर द एनवायरमेंटल फैक्टर? सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर रोल प्ले करता है. एग्जाम्पल है एलिगेटर्स, देन टर्टल्स, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. इन दीज ऑर्गेनिज्म इट इज द टेम्परेचर विच प्लेज रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि टर्टल्स में, हम एग्जाम्पल लेते हैं टर्टल्स में, इफ टेम्परेचर इज बिलो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, देन एग्स डेवलप, फर्टिलाइज्ड एग्स, है ना, फर्टिलाइज्ड एग्स. आपको पता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है इसमें, डेवलप इनटू मेल्स. अगर 28 डिग्री और उससे कम टेम्परेचर है then it develops into male. If temperature is above 33 degree centigrade, then these develop, eggs develop into females. Temperature between 28 to 33 degree centigrade, then equal number of males and females are formed. ठीक है, ये कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ये बहुत हायर लेवल की बातें हैं. ये अगर आपने कभी पढ़ा आगे चल के तो तब पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि बिलो 28 डिग्री द males are formed from the egg, above 33 degree females are formed, then between 28 to 33 degree equal number of males and females are formed. ठीक है जी, उसके बाद another example is American alligators. अगर टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री है देन इट इज फीमेल. इफ टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड देन द एग्स डेवलप इनटू मेल्स. इफ द टेम्परेचर इज बिलो 30 डिग्री then it is females, and above 30 degree then it is males. Crocodiles mein again alligators ki tarah hai, low temperature induces femaleness, more females are formed, whereas high temperature induces male. So this is the effect of temperature on the determination of sex. ठीक है, एक और बताऊंगी बेटा फिर लिखना. One more, एक और example, हम second आ जाते हैं. ध्यान से देखो एवरीबडी, पेन नीचे रख देना. बोनीलिया, बोनीलिया क्या है, इट इज एन एनिमल, यूनिसेक्सुअल है. अगर इफ एग्स डेवलप
नियर द फीमेल्स। इट प्रमोट्स मेलनेस, मोर मेल्स आर फॉर्म। इफ द एग की डेवलपमेंट फीमेल के आसपास हो रही है तो मेल्स बनते हैं। इफ एग्स डेवलप इन आइसोलेशन दे फॉर्म। तो ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर ही है थोड़ा सा, कि अगर फीमेल्स के पास एग्स डेवलप हो रहे हैं तो मेल्स बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल कुछ हॉर्मोन्स बनाती है बेटा, ये हॉर्मोन्स उन मेल्स उन एग्स में दे प्रोड्यूस मेलनेस, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करने में हेल्प करती है। अगर एग्स जो है अकेले डेवलप हो रहे हैं देन दे डेवलप इनटू फीमेल। इज इट ओके? ठीक है। एंड यहां पे क्या है, स्मॉल मेल्स एंटर्स इन फीमेल्स, ठीक है। अगर फीमेल्स के पास डेवलप हो रहे हैं तो वो मेल्स में डेवलप होते हैं, देन दे एंटर्स इन द फीमेल्स एंड लिव एज पैरासाइट्स इन यूट्रस ऑफ फीमेल। ये इनका हैबिटेट, राइट। This is about Bonellia. This is, you know, this belongs to the phylum Annelida. Yeah, this belongs to phylum Annelida. That is earthworm, right? So ये लिख लो फटाफट से। ये बेटा ये देख लेना, small males है ना, पहले मैंने female गलती से लिख दिया था, small males, right? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें आ जाते हैं बेटा एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, देन एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और थर्ड है जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो एक्स 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 वाई है इसमें जो फीमेल्स है, फीमेल्स हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल्स दीज आर एक्स वाई। जो फीमेल्स है यहाँ पे ए ए भी लिख सकते हो, ऑटोसोम्स तो है ही है, बाकी के जो 20 A A X X and this is A A X Y। तो जो फीमेल्स है इनमें जब गैमेट्स बनते हैं मियोसिस, तो दे फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ एग ए एग, दिस इज एग। तो फीमेल्स जो है इनको हम क्या बोल देते हैं, होमोगैमेटिक। होमो मतलब सेम, गैमेटिक मतलब गैमेट्स, तो एक टाइप के गैमेट्स बनाती है। जबकि जो मेल्स है मियोसिस हुई
तो दे फॉर्म ए एक्स स्पर्म्स, और दूसरे कौन से है ए वाई टाइप ऑफ स्पर्म्स, राइट। सो मेल्स जो है बिकॉज दे आर फॉर्मिंग टू टाइप ऑफ स्पर्म तो हेट्रोगैमेटिक। तो हम इसी की ही अभी बात कर रहे हैं, फीमेल एंड मेल। फीमेल फॉर्म्स ए एक्स, मेल्स फॉर्म ए एक्स एंड ए वाई। इफ दिस एग, ये एग है, ये गाइनोस्पर्म है, बिकॉज if this sperm fuses with the egg it results in gynosperm means female forming sperm, as if this fuses with this it forms female. This is called as angiosperm or you can say male forming form, because when this one fuses with this it forms AAXY, so this is male. Is it okay? And this XXXY type of sex determination, it is present. Example आ जाती है humans. Humans में क्या है बेटा, 22 pairs of autosomes plus one pair of सेक्स क्रोमोसोम, ये है ए ए और ये है एक्स एक्स या एक्स वाई। इसी तरह से ड्रोसोफिला है, इट हैज फोर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, three pairs autosomes and ये भी two n है, and one pair XX या XY, that is sex chromosome. Is it okay? ठीक है जी। So this is in XXXY type of sex determination, it is present in case of, you know, humans and in case of Drosophila. पहले ये लिखो, फिर मैं आगे आपको कुछ बता दूँ। अब बेटा थोड़ा सा मैं अब वाई और एक्स क्रोमोसोम के बीच में ह्यूमंस की हम बात करेंगे, तो ध्यान से पहले ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मतलब जिस तरह से मैं कराऊंगी वैसे नहीं, कहीं कहीं उसके रेफरेंसेस दिए हुए, इसलिए हम ये मान के चलते कि एनसीईआरटी में है बट इकट्ठा सा नहीं दिया हुआ, इसलिए ध्यान से समझना। पहली बात आ जाती है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो है यू नो स्लाइटली कॉइल्ड डीएनए विद प्रोटीन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रोमेटिन क्या है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, यू क्रोमेटिन एंड
हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन होती है लेस कोइल्ड क्रोमेटिन, मेटाबॉलिकली एक्टिव, इट ट्रांसक्राइब टू फॉर्म mRNA, it is lightly stained, क्योंकि uncoiled है, less coiled है, तो staining बहुत ज्यादा dark नहीं होगी, lightly stained। heterochromatin more coiled chromatin, आप ये देख लो कि जब हम active होते हैं तो हम हर चीज हमारी ऐसे फोल्डेड करके, हम ऐसे नहीं होते, टांगे इकट्ठी करके ऐसे नहीं हम बैठे होते। जब हम एक्टिव है तो हमने आप हर चीज जो है खोली हुई है। जब हम आराम से बैठे हैं तो कभी हम बाजुएं ऐसे कर लेंगे, कभी हम चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे, किस तरह वो फोल्डेड सा स्ट्रक्चर होता है, बस यही है। सो इट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, it does not transcribe and it is darkly stained। जो हेट्रोक्रोमेटिन है बेटा, वो फर्दर टू टाइप्स की है। That is constitutive and facultative, remain heterochromatin all the time। ये कभी जिंदगी में एक्टिव हुआ ही नहीं, हमेशा ही हेट्रोक्रोमेटिन रेस्टिंग स्टेज पे है। फैकल्टेटिव, इट कैन बी चेंज्ड इनटू यूक्रोमेटिन एट सम स्टेज। Is it okay? पहले ये लिखो कि क्रोमेटिन क्या है, यू क्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है। राइट डाउन दिस फर्स्ट, देन वी डू इट। ये हमने फर्स्ट किया था क्रोमेटिन के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं X and X of females are homologous chromosome। These are large in size। X chromosome was first observed by Hanking in insects। ठीक है जी, ये लिखो जरा जल्दी से। He first observed X chromosome in, you know,
इन सम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में एक्स 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 वाई तो नहीं होती है, बट मैं आपको बताऊंगी, बट उसने एक्स क्रोमोसोम जो है इसी से ही, इसी में ही ऑब्जर्व किया था, दैट इज इंसेक्ट्स में ही ऑब्जर्व्ड दैट, राइट ऑन, ही ऑब्जर्व्ड दैट अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वॉज ऑब्जर्व ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा एक मिनट जरा, है ना, स्ट्रक्चर वॉज ऑब्जर्व ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन सम इंसेक्ट्स, सभी में नहीं, कुछ इंसेक्ट्स में, ठीक है। पहली बात उसने ये ऑब्जर्व की, दूसरी बात उसने ऑब्जर्व की हैंकिंग में दैट ओनली 50% ऑफ द स्पर्म, यदि आप सिर्फ हिस्ट्री लिखोगे, ये मैं बताऊंगी भी कैसे क्यों ऐसे, 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, सभी स्पर्म्स में नहीं, सिर्फ 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट, बाकी के 50% ने नहीं रिसीव किया, सिर्फ 50% ने रिसीव किया, एज दिस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वॉज नॉट रेकोगनाइज्ड एट दैट टाइम, thus named that X body, उसको X body का नाम दे दिया। फर्दर जो है, फर्दर इट वॉज ऑब्जर्व्ड एज, बाकी साइंटिस्ट ने काम किया, ऑब्जर्व्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, तो उसको देखा गया कि ये सेक्स क्रोमोसोम है, और क्योंकि एक्स बॉडी का नाम दिया गया था इसलिए उसको एक्स क्रोमोसोम ही कह दिया गया, एंड दस नेम्ड एज एक्स क्रोमोसोम। तो ये उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा एक्स बॉडी कहा था, चलो एक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी। तो एक ये हिस्ट्री है कि कैसे एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ, किसमें हुआ, ह्यूमन में नहीं पहली बार डिस्कवर हुआ था, किसमें डिस्कवर हुआ था, दैट इज इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है जी। तो ये हो गए, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर partially homologous, complete नहीं, क्योंकि Y क्रोमोसोम छोटा सा क्रोमोसोम है, उसका कुछ पार्ट जो है X क्रोमोसोम से synapse करता है, सिमिलर है, and thus called as homologous chromosomes। होमियोलोगस का क्या मतलब है, पार्शियली होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पे अगर हम देखेंगे, लेट अस से दिस इज एक्स क्रोमोसोम,
एक एक्स क्रोमोसोम दूसरा। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम, सिर्फ ये पार्ट होमोलोगस है, रेस्ट पार्ट इज नॉन होमोलोगस एंड दस दे आर होमियोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, द पार्ट ऑफ, अच्छा एक पहले हम ये करेंगे, ये वाई क्रोमोसोम इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, मोस्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम इज हेट्रोक्रोमेटाइज्ड, कौन सा हेट्रोक्रोमेटिन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, ओनली सम पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम हैज जी, इज इट ओके, कुछ में ही है जो जीन्स है, बाकी तो सारा जो है वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है, और जो वाई क्रोमोसोम है उसमें, नेक्स्ट इसके बाद मैं यहां कह रही, वाई क्रोमोसोम में दो पार्ट है, डिफरेंशियल पार्ट एंड होमोलोगस पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट मीन्स ये डिफरेंशियल पार्ट है जो होमोलोगस नहीं है, ये होमोलोगस पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ, लिखवाती बाद में हूँ, कि जो जीन्स होमोलोगस पार्ट पे है वो तो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो है वो पेयरिंग हो रही है, ठीक है, इसका मतलब इस पार्ट में जो जीन है उसकी एक कॉपी एक्स क्रोमोसोम पे भी है, अगर एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन है वाई क्रोमोसोम के इस पार्ट पे रिसेसिव है तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगी, जबकि जो नॉन डिफरेंशियल, सॉरी जो डिफरेंशियल पार्ट है वाई क्रोमोसोम का, यहाँ पे इसकी कोई होमोलोग है ही नहीं है, यहाँ पे जो भी जीन होगी चाहे वो रिसेसिव फॉर्म में है, चाहे वो होमोलोग, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में है, इट विल एक्सप्रेस कंप्लीटली, सो द जीन्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द वाई क्रोमोसोम are called as holendric genes because they do not have any allele, right? Allele on the X chromosome. Therefore, whether they are recessive, whether they are dominant, they express completely. So, holoendric, endric matlab males mein, holo matlab completely express. So, that are holendric genes. ठीक है? पहले आप ये लिखो, फिर मैं ये differential और homologous का आपको बताती हूँ। चलिए जी, अब हम देखो जरा कि मैंने ये बताया आपको, ये है एक्स क्रोमोसोम, ये है वाई क्रोमोसोम, क्योंकि छोटा है ना वहां, तो चलो मैंने इतना बड़ा सा बना दिया, अदरवाइज दिस इज लाइक दिस, दिस इज मच स्मॉलर, दिस पार्ट ऑफ द वाई क्रोमोसोम, this is called as homologous part and this is called as differential part. अगर हम यहां कहें homologous जो part है, हम homologous की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है, सॉरी स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल बी, यहाँ पर कैपिटल बी या स्मॉल बी, कुछ भी हो सकता है, इज इट राइट? तो यहाँ पे सी बी
E, F, और यहां पे कोई और है, Z, X, Y, G, लेटर से यहाँ पे चेंज कुछ और, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जो होमोलोगस पार्ट है, तो हम क्या कहेंगे, होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम हैज एक्स वाई लिंक्ड जीन। एक्स वाई लिंक्ड जीन्स मीन्स एक्स पे और वाई पे जो जीन्स है वो आपस, वो लिंक्ड नहीं हम कह सकते, बट वो आपस में होमोलोगस है या पेयर्स में प्रेजेंट है, लिंक्ड जीन्स और प्रेजेंट इन पेयर ऑफ एलील। द जीन्स present on differential part of Y chromosome are singly present and express completely whether in dominant or recessive form. Therefore, called as, क्या बोलते हैं इसको, होलेंड्रिक जीन। होलो मतलब कंप्लीट, होलेंड्रिक जीन, राइट। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, होलेंड्रिक जीन की एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल TBF is Hollandric gene. Full form क्या है TBF की? Testis determinating factor. This is TDF, that is testis determinating factor, and along with TDF works with SOX. Ek minute nahi dete, it is SOX9 gene, ये भी कोई जीन है, एंड स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टोली सेल। ठीक है जी, सो TDF इज होलेंड्रिक जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब आप एक बात ये कहोगे कि प्रेजेंट ऑन डिफरेंशियल पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम का पार्ट है ये भी तो इसके होमोलोगस नहीं, ठीक है। तो दिस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फीमेल में नहीं होता, मेल्स की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल
पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स ऑल्सो हैव सम जीन्स विच डू नॉट हैव any allele in males and thus express completely. But होलेंड्रिक हम generally उन्हीं genes को कहते हैं जो Y chromosome पे present है, differential part of the Y chromosome. ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम्स पे है, जो इस पार्ट डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम करती तो वो भी कंप्लीट है, बट उनको एज सच हम होलेंड्रिक जीन्स नहीं कहते हैं, क्योंकि दीज हैव होमोलोगस इन केस ऑफ यू कैन से इन केस ऑफ फीमेल. इज इट ओके? ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा चलिए एग्जांपल हम बाद में करते हैं. अनदर पॉइंट, जो होलेंड्रिक जीन्स है Holendrik genes are, you know, passed from या are inherited from father to son. Daughters के पास नहीं जाती क्योंकि Y chromosome पे. Another is differential part of X chromosome in males, दोबारा से बात कर रही हूं, has genes for colored vision, for synthesis of rhodopsin, etc. Is it right? तो इस पार्ट में जीन्स किसके लिए प्रेजेंट है? रोडोप्सिन के लिए, कलर्ड विजन के लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 8, 9 and 11. ठीक है, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के जीन्स भी कहां पे प्रेजेंट है? दैट इज डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम. राइट, करो नोट. ये धीरे धीरे अभी आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे चल के जब हम हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस करेंगे तो वहां पे आपको और क्लैरिटी से पता चलेगा क्या किया हुआ है. हम क्या करते हैं, आप ये देखिए कि नेचर ने मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम बहुत बड़ा है, फिर ये वाई क्रोमोसोम, फीमेल्स में ये 2X क्रोमोसोम. अब हम तो कहेंगे कि मेल्स में लेस डीएनए एंड लेस जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स है ना. किसी टाइम नेचर से, ईश्वर से मिले तो मेल्स उनसे शिकायत कर सकते हैं कि ये तो बड़ी पार्शियलिटी है, आपने हमें फीमेल्स से कम दिया, है ना, क्योंकि फीमेल्स में तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम बहुत लंबा. बट नेचर ने ऐसा नहीं किया, नेचर इक्वालिटी में विश्वास करती है. ये हम ह्यूमंस हैं जो हम कहते हैं मेल ज्यादा या फीमेल ज्यादा या वट एवर इज. ठीक है, नेचर इक्वालिटी में, नेचर ने क्या किया कि इस एक्स क्रोमोसोम को फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम की लेट से ये वाला जो पार्ट है इसको हेटरोक्रोमेटाइज कर दिया, सो दैट नंबर ऑफ फंक्शनल जीन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल. ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं डोजेज कॉम्पनसेशन. इसमें क्या है,
इन ह्यूमन फीमेल्स लार्ज पार्ट ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज हेटरोक्रोमेटाइज्ड, दोनों नहीं एक एक्स क्रोमोसोम का, सो दैट अमाउंट ऑफ फंक्शनल डीएनए इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, और ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, हेट्रोक्रोमेटाइज एक्स क्रोमोसोम हैज फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, सो दैट After meiosis, the egg having heterochromatized, आपने पूरा लिखना है X क्रोमोसोम, या so that after meiosis in the egg having heterochromatized X chromosome, comma, the heterochromatin changes into euchromatin. Let us say, for example, AAXX, ये मैंने बता दिया, दिस इज लेट अस से ये हेट्रोक्रोमेटाइज है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम। जब मियोसिस हुई तो वन एग प्लस थ्री पोलर बॉडीज, ये हमने किया ही। लेट अस से इस एग में क्या आ गया, ए एक्स एच, तो अगर ये हेट्रोक्रोमेटाइज्ड ही रहा तो आगे चल के अगर ये मेल्स में चला गया तो उसमें तो बेचारा पहले ही वाई क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटाइज्ड है, एक्स भी हेट्रोक्रोमेटाइज्ड हो जाएगा, तो जीन्स बहुत कम हो जाएंगे, देयरफॉर इट चेंजेस इनटू ए एक्स। If this AX fuses with AY, then it forms AAXY, no problem. If this X fuses with AX of males, मतलब sperms, then it is AAX, ये वाला, and ये वाला X it changes into this form, male का ऐसे ही रह जाए। Do you get me? समझ में आई? So this is dosage compensation theory, ताकि males और females में equal amount of, you know, functional genes रहे, equal amount of functional DNA रहे। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? Everybody. Yes, ma'am. अब another point. During, ध्यान से सुनो, during embryonic development,
TDF gene on Y chromosome. अगर AAXY है, मेल एम्ब्रियो है, Y क्रोमोसोम helps in differentiation of testes. सबसे पहले testes, मतलब सबसे पहले नहीं, जब भी गुनाड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना है तो उसमें सबसे पहले testes है. Testes synthesize, ये embryo में ही है, synthesize small amount of testosterone. This testosterone इसने क्या किया? Helps in development of male reproductive system. सबसे पहले testes बनी, उसके बाद बाकी कुछ बना. Second है descent of testes in croton. Is it right? ठीक है जी. उसके बाद है इन फीमेल एम्ब्रियोस फैक्टर है बेटा ये द या कैन यू कैन से एब्सेंस ऑफ टीडीएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर differentiation of ovaries at the end of sixth week. You can see differentiation of testes about 5 weeks. ओवरीज बाद में बनती है, ओवरीज 6 वीक्स के एंड पे बनती है. पहले वो टीडीएफ की वेट करती है कि शायद टेस्टोस्टेरोन या टेस्टिस बने या टीडीएफ टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर जो है वो बने. जब वो नहीं बनता तब ओवरीज बनती है. कोई और फैक्टर नहीं आता या कोई और हॉर्मोन नहीं आता जो ओवरीज बनाता है. इट इज द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या PDF which helps in differentiation of ovaries. ठीक है, followed by formation of female reproductive tract. इसलिए कई बार हम क्या कह देते हैं, therefore females sometimes called as default sex. कुछ ये कहते हैं, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में या आपकी बुक्स में लिखा है, कुछ ये कहते हैं कि पहले 2 X क्रोमोसोम्स आए थे. डेवलपमेंटल स्टेज तो ये है, पर पहले 2 क्रोमोसोम आए एवोल्यूशन में, फिर 1 क्रोमोसोम की टांग टूटी तो मेल्स बने, राइट? सो दिस इज डिफरेंट थ्योरी, ठीक है, जो हम काम कर सकते हैं. बाकी जिससे हमारा माइंड विश्वास करना चाहे वो करे, बट अगेन आई एम अगेन सेइंग कि नेचर ने दोनों को समान बनाया है, इक्वल बनाया है. ये हम अपने उससे है ना कि भी मेल्स ज्यादा अच्छे है या फीमेल ज्यादा स्ट्रांग है या मेल ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, वो हम अपने दिमाग से करते हैं, वो हमारी उपज है, नेचर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. इज इट ओके? ठीक है, हम कह देते हैं मदर नेचर है, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर फेमिनिज्म. ये भी गलत है, मैं इन चीजों को भी गलत मानती हूँ कि हम फेमिनिज्म 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 के नारे लगाए.
लड़कियां लड़कों के बराबर है, नहीं, अलग अलग इन द सेंस कि लड़कियां लड़कियां हैं, लड़के लड़के हैं, नोबडी, हर एक की अपने प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स दोनों के हैं, ठीक है, कोई किसी से स्ट्रांग नहीं, कोई किसी से वीक नहीं, इज इट ओके, ठीक है, तो हमें किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी भी चीज में, मेल्स और फीमेल्स में भी कंपैरिजन नहीं, और वैसे भी दो लोगों में कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो और स्ट्रांग करना है और उनके अकॉर्डिंग हमें अपना सर्वाइवल करना, ओके, लिखो ये जल्दी। ठीक है, बार बॉडी, बी ए आर, बार बॉडी, ठीक है जी, तो व्हाट इज बार बॉडी, ऑब्जर्व्ड बाय बार एंड बर्ट्रैंड, कैन यू एक बार चेक कर लो, इट इज बार एंड बी ई आर टी आर ए एन एंड इट इज बार बॉडी बी ए डबल आर, ठीक है, क्या है, इट इज द हेट्रोक्रोमेटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स, ऑब्जर्व्ड बाय स्टेनिंग, अगर इफ ऑर्गेनिज्म इज ए ए एक्स एक्स, तो ये वाला हेट्रोक्रोमेटाइज्ड है तो वन बार बॉडी, इफ ए ए एक्स वाई नो बार बॉडी, अगर कोई डिजीज है ए ए एक्स 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 टू बार बॉडीज, एमनियोसेंटेसिस के बाद अगर देखा जाए और किसी में दो बार बॉडीज नजर आ जाए तो वो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ये जेनेटिक डिजीज, राइट, और कई बार क्या है कि ओवरीज दिख रही है बट इट इज एक्स ओ, अगेन टर्नर सिंड्रोम हम बात करते हैं, ठीक है, इट इज जीरो बार बॉडी, कोई बार बॉडी नहीं नजर आ रही, राइट, सो नंबर ऑफ बार बॉडीज हम एक जनरल कह देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स माइनस वन, नंबर ऑफ बार बॉडीज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स माइनस वन, इज इट राइट, सो दिस इज बार बॉडी दैट इज हेट्रोक्रोमेटाइज्ड X क्रोमोसोम, ठीक है जी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज हमने ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन की, सेम टाइम टुमारो एट 10:30 हम आगे की सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, सेक्स लिंक्ड जीन्स करेंगे और फर्दर करेंगे, राइट, ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।